Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.4 साइंस वालों की, इसमें पहला क्वेश्चन है क्या दर्जा ज़ैल ज़र्बी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं। आपने ज़र्ब दे के नहीं दिखाना, सिर्फ कंडीशन बतानी है कि ये इसको ज़र्ब दिया जा सकता है या नहीं। ज़र्ब देने के लिए, कंडीशन के लिए सबसे पहले मुझे इसके ऑर्डर लिखना होंगे, कालब के ऑर्डर लिखना होंगे। अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह जो चलती हैं, इसको रोज़ कहते हैं। दो रोज़ हैं, ये देखें सामने दिया गया दो रोज़ है, और कालब में भी दो कालब है, दो कालम है आपके। इसी तरह इस दूसरे व कालब को देखूं, अगर इसमें कतारों की तादाद, रोज़ की तादाद दो है और कालम जो है वो वन है। ये मैंने लिखा है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि कंडीशन क्या होती है कि मैं बता सकूं कि इसको ज़र्ब दिया जा सकता है कि नहीं। हासल कालब मुमकिन होता है, यही बताना है मैंने, जब पहले कालब के कालमों की तादाद, कालम देखने, पहले जो कालब है उसके कालम देखने, दूसरे कालब की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ये मैंने लाइन खींच के बता दिया है कि इस पहले वाले का कालब, कालम लेना है, कालम लेना है, और दूसरे वाले की कतार लेनी है आपने। कालम और कतार ये मैंने लाइन खींच के बता दिया, ये बराबर होने चाहिए, बराबर है। लिहाजा दिए गए कालबों का हासिल कालब मुमकिन है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सिलेबस के मुताबिक अगला क्वेश्चन ये है, मंदरजा ज़ैल का ज़र्बी हासिल मालूम करें। अब आपने ज़र्ब दे के दिखानी है उसको। ज़र्ब देने के लिए रोज़ इंटू कालम चलते हैं हम ज़र्ब में, रोज़ इंटू कालम ज़र्ब दी जाती है, लेकिन उसको भी ज़र्ब देने के लिए ये देख सकते हैं, मैं इसका मर्तबा लिखता हूँ, इसका भी मर्तबा लिखता हूँ। मर्तबे लिखते हुए ये कालम है और ये कतारें हैं, कालम और कतारें बराबर होनी चाहिए। कालम और कतारें अगर बराबर हैं, ये देखें लाइन भी खींच के मैंने बताई है, ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैं ज़र्ब देता हूँ। अब ज़र्ब समझना आपके लिए अहम है, क्योंकि तमाम क्वेश्चन ज़र्ब के मुताबिक ही होने हैं। किस तरह ज़र्ब दूंगा, रोज़ इंटू कालम ज़र्ब देनी है वन, और इसको ज़र्ब देना है इस वन से, ये देखिए मैंने लिखा वन मल्टीप्लाई बाई वन। इसी तरह प्लस की इलामत डालेंगे, टू इंटू थ्री, ये वाला टू और ये थ्री, प्लस थ्री इंटू माइनस वन, नीचे कालब देखता हूँ, कतार देखता हूँ फोर, जबकि कालम यही आएगा, कालम यही आएगा। दूसरा मैंने, अब दूसरा कालब, कालम जो है इससे ज़र्ब देनी है मैंने, वन वन टू थ्री, ये वाला वन टू थ्री, दरमियान में प्लस रखा है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा, मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया है, ये मैंने रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये रिमूव कर किया मैंने। वन टू थ्री लिखा है, ये देखें वन टू थ्री लिखा है, वन टू थ्री लिखा है, प्लस डाला, ब्रैकेट डाली हुई, यहाँ भी फोर फाइव सिक्स, यहाँ फोर फाइव सिक्स, और मैंने ब्रैकेट डाल दी। इनमें क्या आएगा, दूसरा कालम आना है आपका, ये वाला कालम, ये वाला कालम टू फोर और वन, यहाँ भी टू फोर और वन। अब उसके बाद ज़र्ब दी है मैंने, नीचे लिख दिया है और प्लस करके फाइनल आंसर लिखा। याद रहे, अगर इसके कालम देखे हैं और इसकी कतारें देखी हैं हमने, बराबर हैं तो ज़र्ब दी जा सकती है, ज़र्ब दे भी दी है हमने। जो नया कालब आएगा आपका, जवाब वाला कालब आएगा, वो आपका टू बाई टू का होगा, ये दो रोज़ होंगे उसमें और दो ही कालम होंगे, वो टू बाई टू का आपके पास कालब आएगा। ये आपका आंसर आ गया, उम्मीद है आपको समझ आएगी। मैं साथ साथ आपको शॉर्ट सिलेबस जो है वो भी साथ साथ देता जाऊंगा।
कि कितना करना है। मज़ीद कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।